सो वेलकम टू वेदी नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सो लिविंग वर्ल्ड्स के अंदर एग्जैक्टली exactly सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स क्या सारे एक जैसे हैं या उनके अंदर एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं आप क्या सारे प्लांट्स एक जैसे आपको दिखाई देते हैं क्या सारे के सारे इंसेक्ट्स बर्ड्स या फिर आपके जो पैट्स हैं क्या वो एक्जैक्टली सिमिलर हैं या उनके अंदर डिफ्रेंसेस हैं सो दैट मीन्स डाइवर्सिटी इज ए फ्यूचर ऑफ लिविंग ऑर्गेजम्स वो सभी डिफरेंट है जितने भी आप लिविंग ऑर्गेजम्स देख रहे हैं चाहे आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं या फिर आपके चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेजम्स हैं दे ऑल आर नाट सेम अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व करते हैं सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एक फॉरेस्ट एरिया आप देख सकते हैं इफ यू आर इन द फॉरेस्ट तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स आपको ऑब्जर्व होते हैं नो no डाउट आपको एक पर्टिकुलर प्लांट का नंबर में भी वेरिएबल हो सकता है एक प्लांट हो, 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 हो सकता है tiger आपको दोबारा से सेम प्लांट आपको ऑब्जर्व हो जाए मीन्स सेम स्पीसीज आपको दोबारा से ऑब्जर्व हो सकती है लाइन आपको एक बार ऑब्जर्व हो तो दूसरी बार भी आपको लाइन ऑब्जर्व हो सकता है टाइगर आपको ऑब्जर्व हो तो एक टाइगर आपको ऑब्जर्व हो सकता है बट आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और प्लांट्स आपको ऑब्जर्व होंगे इफ इफ यू आर गोइंग टू इंक्रीज द एरिया दैट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व तो आप देख सकते हैं अगर आप ज्यादा बड़ा फॉरेस्ट एरिया लेंगे तो आपको ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स ऑब्जर्व होंगे सो हम इस तरीके से बोल सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट probably see a much greater amount and greater number and kinds of living ऑफ in it ज्यादा bada area ko explore karenge ज्यादा number and ज़्यादा नंबर के अंदर और ज़्यादा वेरिएशन आपको दिखाई देगी ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रजेंट ए स्पीसीज सो वट इज स्पीसीज जो एग्जैक्टली डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज़ ए नॉन एज स्पीसीज सो द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब इज बिटवीन वन पॉइंट सेवन टू वन पॉइंट एट मिलियन एंड इसी को हम बोल के जा रहे हैं बायो दैट मीन्स व्हाट इज़ बायो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ दैट इज़ नॉन इज बायो हम क्यों बोल सकते हैं कि यस yes, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यस डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म मीन्स लाइन इज डिफरेंट फ्राम द टाइगर टाइगर इज डिफरेंट फ्राम द काउ काउ इज़ डिफरेंट फ्राम द कैटल सो ये सारे के सारे स्पीसीज़ हैं सो दैट मीन्स हम इस तरीके से बोल सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरियाज के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेशि मिलेंगे बहुत ईजी वे में सो देर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड वी नो दैट प्लाट्स एंड एनिमल्स इन योर ओन लोकल एरिया इन योर ओन एरिया इज हैविंग डिफरेंट नेम्स उनका एक लोकल नाम भी है और ये लोकल नेम एग्जैक्टली बहुत ही वेरिएबल है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आपकी यहाँ पर एग्जैक्टली डॉक का लोकल नेम कुछ अलग है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर डिफरेंट एरिया के अंदर डॉक का लोकल नेम कुछ और है इवन विद इन द कंट्री बहुत अलग अलग नाम हो सकते हैं और यहीं से एग्जैक्टली कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू से समथिंग टू योर फ्रेंड आपने फोन की ओर बताया कि आपने एक ऐसा ऑर्गेज देखा है हो सकता है कि सेम ऑर्गेजिम्स उस पर्टिकुलर फ्रेंड के एरिया में भी मिलता हो बट वो उसको दूसरे नाम से रिकॉग्नाइज करता है वो उसको दूसरे नाम से जानता है सो so, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन एग्जैक्टली एक स्टैंडर्डाइज मैथड की जरूरत पड़ी, जरूरत थी सो दैट मीन्स हम इस तरीके से बोल सकते हैं देर इज नीड टू स्टैंडराइज द नेमिंग ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के अंदर उस पर्टिकुलर नेम से उस ऑर्गेनिजम को रिकग्नेशन मिले पहचाना जाए जाना जाए ये सबसे इम्पॉर्टेंट था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर बिकॉज अगर हम उस ऑर्गेनिम्स को देखकर कर उसकी फीचर्स को डिफाइन करने जा रहे हैं सेम का सेम कोई पर्टिकुलर साइंटिस्ट हो सकता है अपने एरिया के अंदर उसी ऑर्गेजम्स को डिफाइन करने जा रहा हो तो तब आप देखेंगे कि फीचर सेम है बट ऑर्गेनिजम्स का नाम अलग अलग है तो दो सेम फीचर वाले ऑर्गेनिम्स सेम ही तो होने चाहिए डेफिनेटली वो सेम है बट आपके उस लोकल एरिया के अंदर उनका नाम अलग अलग था इसके कारण बहुत एम्बिग्यूटी आती थी साइंटिस्ट एग्जैक्टली exactly अपने वर्क को जब पब्लिश करते थे तो वो उस पर्टिकुलर लोकल एरिया के जो ऑर्गेनिम्स हैं उनके बारे में वो बताते थे तो यहीं से एग्जैक्टली exactly जब कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तो एक नॉर्मन क्लेचर स्टार्ट हुआ कि हम यस yes, पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज हैं उस ऑर्गेनिम्स को ईच एंड एवरी ऑर्गेनिम्स का जो लोकल नेम है उसको रिप्लेस करेंगे एक यूनिक नेम के साथ में और ये यूनिक नेम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिम्स के लिए वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल होगा इसमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि नोमन क्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली